ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। सो आज के स्टडी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉक टेस्ट देने के साथ। सो सी सेट में, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था कि मेरे मार्क्स थोड़ा सा स्टक हो रहे थे, 65 अराउंड 70 के बीच में भी, एक दो नंबर कम भी जा रहे थे। तो आई थिंक मेरे को भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एंड बहुत कम टाइम रह गया है। सो आई थॉट के जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाए उतना ज़्यादा बेटर है। एंड आप लोगों ने भी, काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि उनके भी नंबर मतलब इसी रेंज में जा रहे हैं, कुछ के 90 जा रहे थे। तो ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू रखो अपनी जो भी आपने मेंटेन किया है मार्क्स को, या मे भी उससे ज़्यादा जा सकते हो प्रैक्टिस करके। बट जिनके मार्क्स बीच में आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रही है। कहीं पे कोई कोर्स लॉन्च हो रहा है, कहीं पे कुछ ईजी स्टेप्स लॉन्च हो रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि आपको इस टाइम पे वो चीज़ें करनी चाहिए। सो अभी जो पढ़ा है उतना करो, एंड सी सेट के लिए जितना कट ऑफ के लिए अप्रोप्रिएट है उतना सिलेबस करो, एंड दैट्स इट। उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ। सो अभी गाइस दोपहर का 1 के अराउंड हो रहा है, 1 बजने वाला है, एंड मैंने अभी स्टार्ट किया है। सो अभी मैंने टाइमर लगाया है क्योंकि मुझे आरसी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने 30 मिनट का टाइम लगाया। 30 मिनट में 30 आरसी, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है अभी मेरे लिए, बट 25 या 22 तक हो जाए तो मच बेटर है। तो अभी जल्दी से करते हैं फिनिश एंड देन मिलते हैं। ऑलराइट, सो मैंने दे दिया था टेस्ट। टेस्ट देने के बाद मैंने 2-5 मिनट का लिया था ब्रेक। ब्रेक देने के बाद अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोडिंग एंड डिकोडिंग के स्पेसिफिकली। सो मेरा प्लान ये है कि मैं रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है, जैसे 7-8 टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, फिर ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए सबको एक बार प्रैक्टिस कर लूँ, सो दैट के अभी एंड टाइम है मुझे फ्रेश हो जाए सारी चीज़ें। सो जल्दी से कर लेते हैं सारी चीज़ें फिनिश, एंड देन फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन जो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मैंने छोड़ ही दिया वो करना, वो है कि 100 प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। ऑल राइट, सो ये सारा चीज़ें फिनिश कर रहे हैं, मेरे को बच गए 4:30, और अभी मुझे लग रही है बहुत ज़ोर की भूख। लंच आ गया था 1 बजे ही, अनाज आए हैं, चने की सब्ज़ी और एक और सब्ज़ी थी वो सोयाबड़ी की, और चावल एंड कुछ थोड़ी सी सैलड। तो खाना पीना खा के मैंने देखा बॉटल बिल्कुल फिनिश हो गई थी, तो अभी जल्दी से भर के रखते हैं बॉटल, क्योंकि इन दिनों पानी नहीं मिलेगा ठंडा तो बेकार ही हो जाएगी कंडीशन। सो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए मैंने ये रख रखा है। इसमें आइसक्रीम आई थी और इसको मैंने इसमें रख रखा है ताकि मैं आँख पे लगाऊँ, ठंडा ठंडा फील हो। तो गाइस अभी मैंने सोचा थोड़ी देर का लेने का ब्रेक, अभी फिर से शुरू करेंगे। ऑल राइट, सो गाइस मैंने कल ही रिसेंटली एक न्यू पेन परचेज किया, मतलब मैंने बचपन में इनसे लिखा था राइटोमीटर के, 10,000 होता है इनका मैक्सिमम, नहीं चल जाते हैं। सो ऑल राइट, सो भी गाइस बैठ जाते हैं थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, मुझे टेस्ट देना है, और तब तक आपके लिए है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो गाइज यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, PW ओनली आया सेलिब्रेट कर रहा है 4 साल दमदार, जिसमें आपको अप टू 60% ऑफ मिल रहा है इनके सारे कोर्सेज पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप UPSC का फाउंडेशन बैच लेते हैं संकल्प 2026 के लिए, तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा 10,999 का। और अगर वही आप 2025 के लिए इंग्लिश या हिंदी में लेंगे तो प्रहार एंड इंग्लिश के लिए टाइटन बैच मिल रहा है 8,499 में। अगर इसके अलावा आप ऑप्शनल बैचेस को देख रहे हैं तो इन सारे ऑप्शनल का आपको सिर्फ 799 पे करना है। वहीं पर आपको मिल रहा है UPSC के कॉम्बो बैचेस, जैसे कि संकल्प 2026 प्लस ऑप्शनल आपको 17,499 में, प्रहार 2025 प्लस ऑप्शनल आपको 15,499 में मिल रहा है। UPSC प्रारंभ 2027 के लिए है, ये 3 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें आपको UPSC रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा, ये 32,999 का बैच है। वही अगर आपने 12th पास किया है एंड अभी आपको ग्रेजुएशन भी करनी है, साथ ही आप UPSC के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो UPSC प्रारंभ के साथ आपको बैचलर ऑफ आर्ट यानी BA की डिग्री मिल जाती है मंगलायतन यूनिवर्सिटी से। डिग्री के साथ ये कोर्स आपको कंप्लीट पड़ेगा 66,999। बाकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, गो एंड चेक, एंड ये ऑफर लिमिटेड है। ऑलराइट, सो गाइज अभी चेक कर देते हैं मैंने कितने सही किए कितने गलत किए हैं। और ये वाला ना मैंने पहले किया हुआ है, मतलब मैंने 1 मंथ पहले किए थे सारे क्वेश्चंस इसके PYQ वाले। सो अभी दोबारा जब मैंने किया तो मेरा 1-2 फिर से गलत हो गया, जैसे ये 19th क्वेश्चन 2021 में जो 26वां था वो मेरा गलत हो गया। सो अभी जल्दी से कर लेते हैं चेक, मैंने सारे निकलवा रखे हैं सबके आंसर की वगैरह, सो दैट की कोई दिक्कत ना हो। एंड जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे चेक करना स्टार्ट किया है 2021 का, तो ये वाले में मेरे को दिक्कत हुई, मैंने प्राइम नंबर पता नहीं क्या ही सोच के वाला आंसर किया, बहुत इजी था बल्कि ये।
फिर उसके बाद ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, ये वाले अगर सी सेट में हम छोड़ रहे हैं तो मीन्स सी सेट में फिर दिक्कत आती है, ये वाले नहीं छोड़ने हैं बल्कि इनमें सिली मिस्टेक्स हो जाती है। सो आप ट्राई करना है कि ये वाले नहीं छूटे, तो जल्दी जल्दी से मैच करते हैं अपने सारे आंसर्स। एंड आई होप कि आपने ये वाले बेसिक तो आपने कर लिए होंगे, नहीं करे हैं तो आप कर लेना ये वाले क्वेश्चन प्लीज़। एंड गाइज वन मोर थिंग, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि अभी जो मैंने वीडियो डाली है हाल फिलहाल में, मतलब काफ़ी दिनों बाद डाली है एक, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मोटिवेशन मिल रहा है नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो रही है कि मुझे जो भी टास्क करने हैं वो हो जाते हैं ऑन टाइम अगर मुझे वीडियो बनानी होती है तो। सो गाइज अभी हो रही है मतलब रात के 7:30-8 बज रहे हैं और आज मेरा मन कर रहा था पेस्ट्री खाने का, तो बहुत दिन से मैंने पेस्ट्री खाई नहीं थी, अभी चलते जल्दी से पेस्ट्री लेने। और ये शायद न्यू बेकरी खुली है यहाँ पे, मुझे देखी थी मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे रखे थे पेस्ट्रीज़ वगैरह, सो मैंने थोड़ी सी पेस्ट्री ले ली और एक कोल्ड ड्रिंक ले ली। सो आज मैंने बहुत सारी पेस्ट्री ली है जिसमें पाइनएप्पल है, वाइट फॉरेस्ट है, चॉकलेट है एंड ये साइड में पता नहीं कौन सी है। एंड मैंने सारी एक साथ नहीं खाई है, बस निकाल के रखी थी। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा सा मैपिंग वाला पोर्शन एंड जो न्यूज़ में थे प्लेसेस वगैरह वो, क्योंकि बहुत दिन से मैंने न्यूज़ इन प्लेस नहीं रीड किए थे तो अभी वो कर लेते जल्दी से। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हिमालय से एज़ यूज़ुअल, फिर उसके बाद साउथ की सारी पीक्स, फिर उसके अलावा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, एंडेमिक स्पीसीज वगैरह करनी है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें कर रहे हैं, तो जल्दी से करते हैं इसको स्टार्ट। एंड आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ईस्टर्न घाट की और वेस्टर्न घाट की एंडेमिक स्पीसीज कौन सी है। चलो अभी पहले जल्दी से फिनिश कर लेते हैं इस वाले स्लॉट को एंड देन उसके बाद बात करते हैं। राइट सो गाइज आज के लोग के लिए बस इतना ही, आई होप मुझे अभी बंद कर देना चाहिए व्लॉग वगैरह क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।